गुड इवनिंग दोस्तों, शुभ संध्या। मैं विपुल आपका दोस्त, आपका सहयोगी, आपका व्यवसायिक सलाहकार आज आपके सामने लेकर आया हूँ कुछ मुद्रा लोन के बारे में। अक्सर छोटे उद्यमी जो होते हैं, माइक्रो उद्यमी, कोई बिजनेस स्टार्ट करना है उनको, लगे उद्योग कुछ डालने हैं होते हैं, तो कैसे बिजनेस स्टार्ट करें, तो इसके रिगार्डिंग हमारे साथ है राजेश श्रीवास्तव, जो टैक्स कंसल्टेंट है और लोगों को मुद्रा लोन दिलाने में काफी सहायता करते हैं और लोगों की कुछ क्वेरी लेकर भी साथ में है। तो आइए हम लोगों का स्वागत करते हैं। वेलकम है राजेश श्रीवास्तव जी। तो आपके पास मुद्रा लोन के बारे में कुछ क्वेरी है तो आप एक एक करके आप मुद्रा लोन के बारे में आप पूछिए, तो हम लोग उसको क्लाइंट के लिए क्या जो उसमें प्रॉब्लम होती है आती है मुद्रा लोन के लिए रिगार्डिंग, और किस तरह के लोग आपको अप्रोच करते हैं, उनके बेसिक प्रॉब्लम्स क्या आते हैं, कैसे बैंक से डील करना होता है, क्योंकि जैसा कि हम देखते हैं कि बैंक में लोन के लिए काफी प्रॉब्लम होती है, लोगों को सिक्योरिटी जमा करानी पड़ती है, मार्जिन मनी जमा करानी पड़ती है, इसके अलावा काफी डॉक्यूमेंटेशन पार्ट होता है, तो लोग इसके कारण लोन लेने से बैंक से थोड़ा कतराते हैं। तो मुद्रा लोन के अंदर उनको क्या प्रॉब्लम क्या आती है, तो आप पूछिए उसके बारे में। नमस्कार, ये मतलब हमारे छोटे से जगह पे या पूरे झारखंड में लोगों को लोन के बारे में काफी कम जानकारी, तो उनकी क्वेरी हमेशा है कि मुद्रा लोन एक्चुअली है क्या, वो जानना चाहते हैं कि लोन है क्या। हमारे पास मुद्रा लोन के बारे में जितनी भी तरह की क्वेरी आती है, मैं आपसे चाहूंगा कि आप उसको क्लियर करें ताकि यहाँ के लोगों को लेने में काफी आसानी पड़ सके। तो लोगों का जो पहले हमारे पास आया है कि मुद्रा योजना के तहत लोन कैसे प्राप्त करें, पूछना चाहते हैं कि मुद्रा योजना के तहत लोन कैसे प्राप्त, तो ये आप बताएं। देखिए राजेश जी, मुद्रा योजना के तहत जो लोन जो है, तो ये जो स्कीम जो आई थी 2015 में आई थी, जो छोटे और मध्यम आकार के जो उद्योग थे, स्मॉल बिजनेस, और जैसा कि एमएसएमई जो कहते हैं, तो उसकी जो फाइनेंशियल नीड्स की थी उसको पूरा करने के लिए भारत सरकार ने अप्रैल 2015 में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, जिसको कहते हैं पीएमएमवाई, की शुरुआत की है। तो अगर कोई व्यक्ति बिजनेस करना चाहता है, शुरू करना चाहता है, तो अपनी वर्तमान बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए कैसे बैंक को कैसे अप्रोच करें, बैंक से लोन के लिए कैसे अप्रोच करें, ये जो बैंक से लोन लेने की प्रक्रिया ऐसे होती है जो बड़ा जटिल होती है, तो उसमें गारंटी भी देना पड़ता है, इससे ज्यादातर लोग हैं जो बैंक से लोन लेने से कतराते हैं। तो इस बात को ध्यान रखते हुए भारत सरकार ने 2015 में ये जो मुद्रा योजना है, लघु उद्योग बढ़ावा देने के लिए मुद्रा योजना शुरू की। मुद्रा का मतलब होता है माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट रीफाइनेंस एजेंसी, वो इस स्कीम को लॉन्च किया है। तो इसके तहत गवर्नमेंट है जो जो बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं उनके लिए मुद्रा लोन प्रोवाइड करती है, स्मॉल बिजनेस और एमएसएमई सेक्टर के लिए। तो अभी जैसा कि हम देख रहे हैं कि कोरोना का जो संकट गुजर रहा है लॉकडाउन के कारण, तो एमएसएमई सेक्टर काफी सफर हो रहा है, तो उसमें मुद्रा लोन की काफी सहायता होगी कि गवर्नमेंट उनको इस मुद्रा लोन के माध्यम से लोन दे, जिसमें ज्यादा पेपर वर्क इन्वॉल्व ना हो और उससे लाभान्वित हो, अपने बिजनेस को पुनः स्थापित कर सके और उसको बढ़ा सके। ये तो ठीक है, तो उनका मुद्रा योजना के तहत तो लोन प्राप्त के लिए, तो इसके लाभ क्या है, तो कस्टमर अगर मुद्रा लोन लेते हैं तो इसके लाभ। बहुत अच्छा बात आपने पूछा, ये मुद्रा लोन जैसा कि आप बहुत फेमस है, अब कि मुद्रा लोन में कोई भी किसी पास जाता है तो कहते हैं कि मुद्रा लोन ले लो, जैसे नए लोग आते हैं उनका फंड नहीं होता है तो मुद्रा लोन से इजिली उनको लोन मिल जाता है। सबसे पहली बात तो ये है कि मुद्रा लोन में जो जो गारंटी जो देनी पड़ती है, तो बिना गारंटी के मुद्रा लोन मिल जाता है, ये सबसे बड़ा बेनिफिट होता है। क्योंकि जो नया स्टार्ट करने वाला, मान लीजिए उसको 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख तक की लोन की रिक्वायरमेंट होती है, तो गारंटी मनी जो वैरी करता है उसको, उसके
सॉल्वेंसी को देखते हुए तो वो लगभग आपका मिनिमम 5% से लेके 20% 25% तक बैंक उसको कहती है कि आप गारंटी दें, तो उसमें उन लोगों का फंड नहीं होता, ठीक है, कुछ रखने के लिए, मॉर्गेज रखने के लिए कुछ होते नहीं है। तो इस केस में बड़ा ही रिलीफ है कि उनको इस मुद्रा लोन के तहत विदाउट गारंटी लोन मिल जाती है, पहला बेनिफिट तो ये है। दूसरा बेनिफिट ये है कि जब हम लोन ले देने जाते हैं तो प्रोसेसिंग फीस देना पड़ता है लोन को प्रोसेस कराने के लिए। तो मुद्रा लोन में जैसा कि हम देखते हैं कि प्रोसेसिंग फीस जो चार्ज होती है वो नहीं देना पड़ता, ठीक है, लोन प्रदान करने के लिए प्रोसेसिंग फीस चार्ज नहीं होती, तो दूसरा बेनिफिट है। और इस मुद्रा लोन को रीपेमेंट का पीरियड जो 5 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, ये तीसरा बेनिफिट आप बता सकते हैं। और इसके तहत जो वर्किंग कैपिटल लोन जो होता है तो उसमें एक मुद्रा कार्ड दिया जाता है, तो उसके थ्रू इसको प्रदान किया जाता है। तो ये कुछ बेनिफिट है जो मुद्रा स्कीम के अंदर है। और जैसा कि हम देखेंगे कि एमएसएमई में, जैसा कि कोरोना के लॉकडाउन के बाद मोदी जी ने 13 मई को भी कुछ घोषणा किया है कि एमएसएमई सेक्टर को प्रमोट करने के लिए उन्हें लोन दिया जाएगा, जिसमें मॉरेटोरियम पीरियड भी है, जैसे कि 1 साल का उन्होंने दे रहे हैं, जिसमें इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, प्रिंसिपल का रिपेमेंट नहीं करा जाएगा। इसके अलावा उनको जो इंटरेस्ट रेट है उसमें भी कंसेशन दिया जाएगा, मतलब एमएसएमई सेक्टर को। तो इसको देखते हुए ये जो मुद्रा लोन है जो काफी आज के डेट में मतलब एक जो स्टार्ट करना जा रहे हैं बिजनेस, उनके लिए बहुत ही सहयोग की चीजें होगी कि आप इससे बहुत ही इनको प्रमोशन मिलेगा, एक बूस्ट अप मिलेगा उनको। हाँ तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्लाइंट लोग जब भी बैंक लोन के लिए अप्रोच करते हैं तो उनको ये पता नहीं रहता है कि लोन के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए। इस मुद्रा लोन के लिए एक क्वेरी ये भी आते हैं कि सर हम जाते हैं तो हाँ ये आप डॉक्यूमेंट दो, आप इसके लिए योग्य हो या नहीं हो, ये कि कौन से लोग इसके लिए योग्य है, एलिजिबल कौन है, ये भी प्रश्न है हम लोग के सामने। तो लोगों को कैसे बताएं कि आप मतलब कौन से मुद्रा लोन के लिए योग्य है, इसकी योग्यता क्या है। जी आपने एक बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन पूछा कि योग्यता क्या, उसके लिए पढ़ा लिखा होना जरूरी है क्या, ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग मैं आपको बता देना चाहूंगा कि ये जो कोई भी भारतीय नागरिक है जो खेती के अलावा अगर व्यवसाय शुरू करना चाहता है, देखिए खेती के लिए मुद्रा लोन नहीं मिलता, ठीक है, खेती के अलावा अगर कोई व्यवसाय शुरू करना चाहता है तो अपने वर्तमान व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए वो जो इस स्कीम के अंदर तो 10 लाख रुपए तक जो जाती है, तो ये प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत तो लोन के लिए आवेदन कर सकता है। तो कोई भी भारतीय नागरिक इसके लिए अप्लाई कर सकता है खेती के अलावा, ठीक है। एग्रीकल्चर जो है वो आपका व्यवसाय में नहीं कंसिडर किया जाता है, ठीक है। ये मुद्रा लोन जो है आपको बिजनेस के लिए मिलता है, तो हर बंदा जो एलिजिबल है हर भारतीय नागरिक इसके लिए एलिजिबल है। और इसमें जो फंड के मैक्सिमम फंड जो ले सकते हैं वो 10 लाख तक वो फंड है इसमें के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कोई एक मतलब ऐसा नहीं 10th पास चाहिए या ग्रेजुएशन चाहिए, इस तरह के कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आप मान लीजिए आप एक छोटा सा बिजनेस भी डालना चाहते हैं, एक शॉप खोलना चाहते हैं, ठीक है, एक रेडी लगाना चाहते हैं, ठीक है, तो कोई ठीक है, तो इस तरह इस चीजों में भी आपको मुद्रा लोन आराम से मिल जाएगी। ये तो बहुत ही अच्छा है, लोगों को इससे काफी लाभ मिलेगा। तो एक और क्वेश्चन हमारे सामने आया है कि मुद्रा लोन होता है कितने, लोगों का क्वेरी होता है कि मतलब लोन के कितने प्रकार होते हैं। अच्छा, ये भी थोड़ा तो मतलब कितने लोन तक आपको मिल सके। देखिए ये जो क्राइटेरिया जो बटा हुआ है ना कि लोन के अनुसार बटा हुआ कि इतने लिमिट तक इसको 3 कैटेगरी में बांटते हैं, ठीक है। तो इसको 3 कैटेगरी में बांटते हुए इसको पहला जो कहते हैं शिशु प्लान, मतलब छोटा शिशु ऋण जिसको कहते हैं, जिसमें आपको 50,000 रुपये तक का ऋण दिया जाता है। ये बड़ा अच्छा है उनके लिए कि जो मान लीजिए कोई फल का धंधा करने जा रहे हैं, रेरी लगाना चाहते हैं, ठीक है,
इस तरह के लोगों के लिए बड़ा अच्छा है, शिशु लोन जिसको कहते हैं, शिशु लोन दिया जाता है 50,000 रुपये तक। दूसरा थोड़ा सा ये दूसरा लोन का है, किशोर लोन कहते हैं, तो 50,000 से ऊपर और 5 लाख रुपये तक का जो लोन होता है उसको किशोर लोन कहते हैं। तो इसके अंदर किशोर लोन के अंदर उनको ये मिलता है। उसके बाद 5 लाख से ऊपर और 10 लाख तक के जो होते हैं उसको कहते हैं तरुण लोन। तो तीन तरह के लोन होते हैं, शिशु लोन, किशोर लोन और तरुण लोन। पहला 50,000 तक, फिर 50,000 से 5 लाख तक और फिर 5 लाख से 10 लाख रुपए तक का। तो ये तीन तरह का लोन होता है। और इस स्कीम के अंदर गवर्नमेंट का सबसे बड़ा ये है कि शिशु लोन को ज्यादा से ज्यादा कम मतलब फाइनेंस करना है। तो इसका जो एक लिमिट जो उन्होंने लग रखा मुद्रा योजना के तहत, कम से कम 60% जो ऋण है शिशु ऋण के रूप में दिया जाता है। तो ये बड़ी अच्छा है कि छोटे लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया जाए, इसी के माध्यम से व्यवसाय में वो लोग एंट्री कर सकें और छोटे छोटे उद्यम को स्टार्ट कर सकें माइक्रो लेवल पे। तो ये बहुत अच्छा कि मतलब मुद्रा लोन तीन प्रकार के होते हैं, अच्छा आपने जानकारी दी है। तो एक प्रश्न उठता है, लोगों के मन में भ्रांतियां बैठी रहती है, जो हम लोन कर्ज ले रहे हैं उसका ब्याज कितना लगता है। तो ब्याज को लेकर भी लोग काफी सशंकित रहते हैं, क्या अगर बहुत सारा हम लोन ले बहुत सारा ब्याज हमको देना पड़ेगा, मतलब महाजनी प्रथा को लेकर मन में उनके भ्रांति बनी है। तो वो लोग थोड़ा क्लियर होना चाहते हैं कि इसमें मुद्रा लोन में एक्चुअली इंटरेस्ट क्या है, कितना इंटरेस्ट है कि जो कि सरल तरीका से लोग मतलब चुका सके और ज्यादा से ज्यादा उससे लाभ। तो ये क्वेरी हमारे पास आती है, अच्छा लोन का इंटरेस्ट ब्याज क्या। बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा राजेश जी आपने, क्योंकि जैसा कि हम देखते हैं छोटे जगहों पे लोग जो है महाजनों के पास जाते हैं और वो जो इंटरेस्ट जो रेट होते हैं, मैंने औसतन देखा है कि मार्केट में वो 1-2% पर मंथ के हिसाब से लगाते हैं उसको, जो लगभग 24%-30% सालाना चला जाता है। तो काफी मतलब जो अनऑर्गेनाइज मार्केट से जो पैसा उठाते हैं तो काफी उनको इंटरेस्ट देना पड़ता है, उनको कोई ज्ञान नहीं होता। जैसा कि आपने पिछली बार पिछले साल आपने एक सेमिनार लगाया था तो लोगों का बहुत अच्छा उसका रिस्पांस आ रहा था, क्योंकि लोग इसके बारे में लिटरेसी नहीं है। बहुत से बैंकों से हमारा डिस्कशन भी हुआ, सेंट्रल बैंक से, SBI से, तो और कहना था कि अभी मार्च तक आ रहा है लेकिन हमें अभी तो रिलीज नहीं कर पा रहे हैं, हम जितना हमारे पास लिमिट दिया गया है मुद्रा लोन के लिए हम रिलीज भी नहीं कर पा रहे हैं। तो लोग इसके बारे में जागरूक नहीं है कि कितना क्या उनके मुद्रा लोन से क्या बेनिफिट होंगे, और जो कंपेरेटिवली जो अलग अनऑर्गेनाइज मार्केट से उठा रहे हैं, महाजनों से उठा रहे हैं, उसमें क्या ये कितना इंटरेस्ट रेट चार्ज करना पड़ेगा। तो देखिए जैसा कि देखिए इंटरेस्ट रेट जो है जो फिक्स नहीं है, जो फ्लक्चुएट होते रहता है, तो मुद्रा के लोन के तहत भी निश्चित बैंक रेट नहीं है, तो ब्याज दर विभिन्न हर बैंक का अलग अलग हो सकता है। लेकिन आवेदक का जो व्यवसायी है उसमें कितना रिस्क है उसके आधार पर बैंक इंटरेस्ट रेट चार्ज कर सकती है, भिन्न भिन्न चार्ज करती है। लेकिन औसतन ये 10-12% के आसपास होता है, ठीक है। आजकल हम देख रहे हैं 9-11% के बीच में जा रहा है, ठीक है। तो ये रेट, और सबसे बड़ी एक और बेनिफिट है कि जो MSME में जो रजिस्टर्ड एंटिटी है उनको जो ऑन एन एवरेज जो है उसे 1% कम ही रेट पर ये मुद्रा लोन मिल जाती है। तो ये एक अच्छा मतलब स्टेप है, इनिशिएटिव है कि लोगों को इसके द्वारा मदद दिया जाए। लेकिन लोगों को जागरूकता फैलाना की भी बड़ा जरूरत है, लोग अभी जागरूक नहीं है, वो अभी भी बैंक को अप्रोच करने में कतराते हैं। तो उनको अप्रोच मतलब बैंक को करना है, इसके लिए जागरूक होना है कि उनको इजीली लोन मिल जाएंगे व्यवसाय करने के लिए। इसके अलावा हम देखते हैं कि जो मुद्रा लोन स्कीम के तहत जो कोई भी सब्सिडी नहीं दी जाती, ठीक है, मुद्रा लोन के तहत कोई सब्सिडी नहीं दी जाती। अगर आवेदक के किसी अन्य योजना के तहत किसी सब्सिडी के लिए आवेदन किया है जिसमें सरकार कैपिटल सब्सिडी प्रदान करती है तो उस सब्सिडी को मुद्रा लोन से लिंक किया जा सकता है। तो ये एक चीज है कि मुद्रा लोन स्कीम के तहत सरकार की तरफ से कोई भी सब्सिडी नहीं दी जाती,
लेकिन अगर आवेदक किसी अन्य योजना के तहत किसी सब्सिडी के लिए आवेदन करता है जिसमें सरकार कैपिटल सब्सिडी प्रदान करती है, तो उस सब्सिडी को मुद्रा लोन से लिंक किया जा सकता है। हमारा तो कम से कम आपसे लोगों का जो क्वेरी 4-5 क्वेरी है, जैसे मुद्रा लोन के मुद्रा योजना का लोन कैसे प्राप्त करते हैं, मुद्रा लोन के लाभ क्या है, कौन से व्यक्ति योग्य है, मुद्रा लोन के कितने प्रकार होते हैं और इसके ब्याज दर के लिए जो भ्रांति बनी हुई है लोगों में, जो अभी जो बहुत सारे ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं वो आज भी लोन लेने में काफी डरते हैं। तो आपने बहुत अच्छा इस बात को बड़ा ही क्लियर किया है। एक और क्वेरी हमारा जो है लोगों के बीच में, जब भी लोग लोन लेते हैं तो उनकी प्रक्रिया के बारे में ज्यादा संसद वो लोन मुद्रा लोन की प्रक्रिया क्या है, कैसे मतलब प्राप्त कर सकते हैं, इसकी थोड़ा सा उसको क्लियर कर। हाँ राजेश, इसको इम्प्लीमेंटेशन कैसे किया जाए, तो इसके लिए सबसे पहले तो हम लोगों चाहेंगे कि लोग एजुकेट हों इसके बारे में, उनको लगे कि बैंक से हमें असिस्टेंस मिल सकता है। तो सबसे पहले बात तो है कि बैंक को अप्रोच करना बहुत जरूरी है। तो हम इसके कुछ स्टेप्स हैं जिसके बारे में हम बताते हैं, इसके साथ ही कुछ डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायरमेंट होते हैं उसके बारे में मैं बताऊंगा आपको। तो सबसे पहले जो है कि यह जानकारी जुटाए कि सही किस बैंक का वो चुनाव करते हैं, ठीक है। SBI मोस्ट प्रिफर बैंक है, सेंट्रल बैंक है, ठीक है, PNB है। तो आप किस बैंक को अप्रोच करते हैं, तो इसके सबसे पहले आप ये डिसाइड कीजिए कि किस बैंक को मैं अप्रोच करूं, ठीक है। मुद्रा योजना के तहत लोन के लिए अप्लाई करने की कोई निश्चित प्रक्रिया नहीं है, कि कोई ऐसा निश्चित प्रक्रिया है। तो लोन लेने के लिए आवेदक को सबसे पहले जो आसपास का जो बैंक होता है उसे संपर्क करके लोन की प्रक्रिया और इंटरेस्ट के बारे में संबंधी पूरी जानकारी जुटा लेना चाहिए सबसे पहले। इसमें लोन प्राप्त करने के लिए एप्लीकेशन फॉर्म है जो उसको भरे, उसको उसके साथ डॉक्यूमेंट है जो उसको सबमिट करना होता है। तो सबसे पहले आप तैयार बनाए ये बताइए कि किस बैंक को आप अप्रोच कीजिए, वहां के बैंक में जाके मिलिए उससे, उसकी प्रक्रिया को समझिए, इंटरेस्ट रेट के बारे में जानकारी लीजिए, एप्लीकेशन सबमिट कीजिए, डॉक्यूमेंट जो उनको बताते हैं और डॉक्यूमेंट कंपाइल करके उनको सबमिट कीजिए। अब दूसरी बात ये होती है कि डॉक्यूमेंट जो तैयार करते हैं और कैसे एप्लीकेशन को सबमिट करें, तो इसके बारे में मैं बताना चाहूंगा कि लोन प्रदान करने के लिए बैंक जो है सामान्यतः क्या करती है कि वित्तीय आवश्यकताओं के आधार पर दो तरह की जानकारियां प्राप्त करना चाहते हैं, जिसमें वो विभिन्न तरह के डॉक्यूमेंट के मांगते हैं। तो पहला जो डॉक्यूमेंट जो होता है, जैसे कि कहते हैं कि पिछले 2 वर्ष का बैलेंस शीट मांगते हैं, इनकम टैक्स रिटर्न का कॉपी मांगते हैं, उसके बाद आपके वर्तमान व्यवसाय की जानकारी जुटाकर फिर ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्या आप ब्याज सहित लोन वापस चुकाने की क्षमता रखते हैं या नहीं। जाहिर सी बात, बहुत से लोग हैं जो लोन लेना बिजनेस नहीं करना लेकिन लोन लेना, तो इसके तहत क्या होता है डिफॉल्ट का रिस्क डिफॉल्ट ज्यादा आता है। तो इसको करने के लिए बैंक पहले आपके बैलेंस शीट, इनकम टैक्स रिटर्न, ठीक है, और आपकी जो आपकी सारी व्यवसाय की जानकारी जुटाते हैं, सो दैट ये इंश्योर हो सके कि आप उनका लोन चुका देंगे। इसके अलावा वो ये भी जानने की कोशिश करते हैं कि बिजनेस में आपके कितने रिस्क हैं, ताकि यह सुनिश्चित कर सके कि उसके द्वारा किया गया पैसा जो दिया है सुरक्षित है कि नहीं। ऐसा नहीं कि वो पैसा देंगे और वो डूब जाएगा। बैंक के जो मैनेजर होते हैं, लोन ऑफिसर, ये सारे आपसे डॉक्यूमेंट मंगवाते हैं और उसके हिसाब से जज करते हैं। इसके अलावा जो बैंक जो होता है आपका जो फ्यूचर प्लान जो होता है, जिसको कहते हैं प्रोजेक्टेड रिपोर्ट, फ्यूचर इनकम एस्टिमेट, तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट मंगवाते हैं आपसे, जानने की कोशिश करते हैं कि बैंक द्वारा दिया गया जो लोन है उसका उपयोग किस प्रकार किया जाएगा और उस लोन के कारण बिजनेस का लाभ कितना और बढ़ेगा। तो ये एक जनरल प्रक्रिया होती है जिससे बैंक पूरी तरह आश्वस्त होता है, आपका प्रोजेक्शन बिजनेस के बारे में प्रोजेक्शन भी लेता है और आपके प्रोस्पेक्ट बिजनेस का प्रोस्पेक्ट भी चेक करता है। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा कुछ डॉक्यूमेंट के बारे में बता देना चाहूंगा कि क्या क्या बेसिक डॉक्यूमेंट है जो मुद्रा लोन के लिए आवश्यक है। तो जैसा कि आपने देखा कि साधारणतः क्या होता है कि
आवेदन फॉर्म के साथ जो दस्तावेज होते हैं उसको सबमिट करना पड़ता है। तो लोन की कितनी राशि है, बिजनेस नेचर क्या है आपका, ठीक है, और क्या क्या रूल्स के अनुसार क्या क्या डॉक्यूमेंट है, ठीक है। तो इसके जैसे कि मान लीजिए कि अगर आपको 50,000 रुपये तक का लोन लेना है तो हो सकता है कि आपको बैलेंस शीट और इनकम टैक्स रिटर्न आदि की जरूरत ना पड़े, क्योंकि 50,000 लोन लेना है तो वो कहते हैं कि इवन आप इवन टैक्स स्लैब में आते भी हो कि नहीं, टैक्सेबल आपकी इनकम है भी कि नहीं, तो हो सकता है छोटे लोन के लिए जो शिशु लोन वगैरह है उसके लिए आपको इंसिस्ट ना करे, लेकिन उससे ज्यादा वाला लोन जो होता है तो उसके लिए आपसे बैलेंस शीट और इनकम टैक्स रिटर्न भी मांगते हैं। तो मैं एक लिस्ट बता देता हूँ एक मोटा मोटी, आप राजेश जी आप नोट भी कर लीजिएगा इसको। जैसे कि प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, आपका प्रूफ क्या ऑफ आइडेंटिटी, जिसमें आपको वोटर आईडी कार्ड, डीएल, पैन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट, जैसे ये इसमें से किसी कोई एक डॉक्यूमेंट वो चाह लेते हैं, या आजकल कभी दो डॉक्यूमेंट मांग लेते हैं, पैन कार्ड आधार कार्ड आजकल मोस्टली मांगे जाने वाले आईडी प्रूफ के रूप में आपके मांगे जाएंगे। इसके बाद प्रूफ ऑफ रेजिडेंस, तो प्रूफ ऑफ रेजिडेंस के लिए वो टेलीफोन बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, प्रॉपर्टी टैक्स रिसीप्ट जो लेटेस्ट हो, वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट या कुछ है तो उसका प्रोपराइटर या पार्टनर का, वो सारा रेजिडेंस का प्रूफ लेते हैं। इसके अलावा एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी का अगर कोई प्रूफ है तो वो भी मांगते हैं। इसके बाद प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी और एड्रेस ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइज, जहां पर आप बिजनेस कर रहे हैं उसका आइडेंटिटी एड्रेस प्रूफ है, ठीक है, मांगते हैं। जिसमें आपका रिलेवेंट लाइसेंस होता है, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है, अदर डॉक्यूमेंट होता है पर्टेनिंग टू ऑनरशिप, आइडेंटिटी एंड एड्रेस ऑफ बिजनेस यूनिट। कभी कभी आप 10 लाख का लोन लेने जा रहे हैं तो आपका जीएसटी नंबर वगैरह भी मांगते हैं, वो जीएसटी या सर्टिफिकेट भी मांगते हैं, क्योंकि 10 लाख का लोन दे रहे हैं तो आपका जो टर्नओवर हो है वो अच्छा खासा कितना जाता है राजेश जी, लगभग 50 लाख के आसपास का टर्नओवर होना चाहिए ना 10 लाख के लोन में। तो उस केस में आपको जीएसटी नंबर भी मांगते हैं वो। इसके बाद अप्लीकेंट ये भी चेक करते हैं कि कहीं किसी बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में उसने डिफॉल्ट तो नहीं किया है, तो इसके बारे में चेक करता है। और जीएसटी जो बैंकर है आपका उसका स्टेटमेंट भी मंगवाते हैं, बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट मंगवाते हैं एटलीस्ट लास्ट 6 मंथ का, जो देखते हैं कि आप ट्रांजेक्शन कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। इसके अलावा लास्ट 2 इयर्स का बैलेंस शीट मांगते हैं ऑफ द यूनिट अलॉन्ग विथ इनकम टैक्स और जीएसटी रिटर्न वगैरह, तो ये आते हैं। देखिए ये जो लास्ट 2 ईयर का बैलेंस शीट या फिर जीएसटी रिटर्न जो है, ये मोस्टली उन केसेस में मांगते हैं कि 2 लाख या उससे ऊपर का जो लोन होते हैं उस केस में ये मांगते हैं। इसके अलावा प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट जो होता है 1 ईयर इन केस ऑफ वर्किंग कैपिटल लिमिट एंड फॉर द पीरियड ऑफ द लोन इन केस ऑफ टर्म लोन, तो ये भी होता है कि आपको 2 लाख या उससे ऊपर हो तो उस केस में वो मांगते हैं प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट, क्योंकि 2 लाख से नीचे वाले में वो जनरली नहीं मांगते। फिर सेल्स जो अचीव या आपने ड्यूरिंग करेंट फाइनेंशियल ईयर में आपने क्या सेल अचीव किया है, देखिए दोनों के लिए आप जा सकते हैं, इसके लिए अप्रोच कर सकते हैं, एग्जिस्टिंग बिजनेस के लिए भी, आप न्यू बिजनेस के लिए भी अप्रोच करते हैं। तो एग्जिस्टिंग बिजनेस वगैरह में आपका करेंट ईयर का सेल्स भी देखते हैं, जब तक आप देखते हैं कि जब तक आप लोन एप्लीकेशन सबमिट कर रहे हो तो ड्यूरिंग दैट टाइम, मान लीजिए आप सितंबर में कर रहे हो तो आपने अप्रैल से लेकर सितंबर तक क्या सेल किया है, तो इसका भी वो रिकॉर्ड मांगते हैं। इसके बाद प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो है, जो प्रपोज कोई प्रोजेक्ट है आपका तो उसमें टेक्निकल एंड इकोनॉमिक फिजिबिलिटी वायबिलिटी क्या है आपके प्रोजेक्ट का, कहीं ऐसा कि नहीं रिस्क ज्यादा है, तो इस तरह की चीजें उसमें देखते हैं। पार्टनरशिप फर्म के केस में पार्टनरशिप डीड भी मांगते हैं। इसके अलावा एसेट एंड लायबिलिटी स्टेटमेंट लेते हैं, मतलब बैलेंस शीट। तो अगर मान लीजिए थर्ड पार्टी गारंटी अगर नहीं है तो उस केस में बोरोवर से इंक्लूडिंग पार्टनर जो है उसका भी नेटवर्थ सर्टिफिकेट मांगते हैं वो, कि उसका भी नेटवर्थ देखते हैं, ठीक है। जहां गारंटी नहीं है तो गारंटी नहीं तो बोरोवर जो पार्टनर या पार्टनर जो है उसका नेटवर्थ वो देखते हैं, एसेट एंड लायबिलिटी स्टेटमेंट उसका मंगवाते हैं। इसके अलावा आपके फोटो जो है कम से कम 2 कॉपी प्रोपराइटर और पार्टनर का,
फोटो मंगवाते हैं। तो ये तो हुए रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, जहां तक हमने देखा तो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट के साथ आप एप्लीकेशन को अप्लाई करते हैं। इसके अलावा जो आपका जो फॉर्म जो होता है, तो ये फॉर्म जो है आप बैंक के साइट से ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हो या फिर बैंक में जाके आप ले सकते हो। इसके अलावा जहां तक प्रोसेसिंग, लोन प्रोसेसिंग के लिए जो है, तो लोन प्रोसेसिंग के लिए जो है कितना टाइम लगेगा, कितना क्या लगेगा, तो डिपेंड करता है आपके डॉक्यूमेंट पे। तो प्रॉपर डॉक्यूमेंट के साथ जब हम एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने के बाद जो है बैंक अपने सारे डॉक्यूमेंट को जांच करती है, और जब पूरी तरह संतुष्ट हो जाती है या कुछ और डॉक्यूमेंट होता है तो उसको मांगती है। तो इस प्रक्रिया के में कुछ दिनों का समय लग सकता है, और लोन प्रोसेसिंग की प्रक्रिया जब पूरा हो जाता है तो आपको डिस्बर्समेंट अमाउंट का चेक दे दिया जाता है जो आवेदक के बैंक खाते में जमा किया जाता है। ठीक है, ये चीज इंपॉर्टेंट है। बैंक यह भी सुनिश्चित करता है कि लोन की राशि आपके बिजनेस या उसी उद्देश्य के लिए खर्च हो जिसके लिए लोन दिया गया है। इसके लिए वे कई कदम उठाते हैं, जैसे अगर आवेदक ने अपने प्रोजेक्ट में कोई बड़ी मशीनरी या इक्विपमेंट खरीदनी है तो भुगतान चेक के माध्यम से ही किया जाएगा। तो इस तरह की चीजें ध्यान वाले देने वाली चीज होती है। जनरली वो कोटेशन मंगवा लेती है साथ में, और जहां से आपका रहता है उसी को डिस्पर्स करती है। देखिए, अगर आप ये आपके डॉक्यूमेंट वगैरह में या प्रोजेक्ट रिपोर्ट में कहीं कोई आपका कमी होती है तो उस केस में लोन को रिजेक्ट भी करता है। अगर आवेदक के डॉक्यूमेंट जो दर्शाया गया उद्योग या व्यापार प्रोजेक्ट बैंक को सही नहीं लगता तो बैंक आवेदक की एप्लीकेशन को रिजेक्ट भी कर सकता है। और अगर डॉक्यूमेंट एप्लीकेशन में कोई छोटी मोटी गलती हो तो बैंक ही आवेदक को मार्गदर्शन देकर उसको ठीक करवाकर लोन की मंजूरी दे देता है। लोन छोटा होता है तो लोग असिस्टेंस करते हैं, बैंक जाइए, बैंक वाले आपको असिस्ट करेंगे। इसके अलावा हम जैसा कि हमने देखा कि मुद्रा कार्ड होता है, जिसको कहते हैं मुद्रा लेने वाले सभी आवेदक को लोन प्रदान करते समय मुद्रा कार्ड रूपी डेबिट कार्ड दिया जाता है, और जो कि एक डेबिट कार्ड की तरह होता है। और जो व्यवसायी अपने मुद्रा लोन की 10% तक की राशि मुद्रा कार्ड से खर्च कर सकते हैं, 10% की राशि उसमें है कि इससे मुद्रा लोन से वो खर्च कर दें ये डेबिट कार्ड से। मुद्रा कार्ड का उद्देश्य व्यवसायी को व्यापारिक वर्किंग कैपिटल जो होता है चालू पूंजी की जरूरतों को पूरा करना है, उसके लिए दिया जाता है, ताकि व्यवसायी अपने बिजनेस के रोजमर्रा के खर्चों का मुद्रा कार्ड के द्वारा भुगतान कर सके और ब्याज खर्च को कम कर सके। तो ये इसका पर्पस होता है मुद्रा कार्ड का। उसके बाद देखते हैं कि मुद्रा लोन कौन बैंक प्रोवाइड करती है। तो वर्तमान समय में जो आप देखते हैं कि जितने भी बैंक है, पब्लिक बैंक है, निजी बैंक है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है, सहकारी बैंक है, माइक्रो फाइनेंस और गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान, तो ये मुद्रा लोन प्रोवाइड करती है। तो इसके रिगार्डिंग मुद्रा स्कीम हेल्पलाइन भी है, जहां पर आप इंक्वायरी ले सकते हो अगर मुद्रा लोन लेते किसी में कुछ समस्या है आपको, तो इसके हेल्पलाइन वेबसाइट मेल और फोन नंबर पर आप संपर्क कर सकते हो। तो इसका जो मुद्रा योजना का वेबसाइट है उसको मैं बता देना चाहूंगा कि वो है www.mudra.org.in। तो इस पे आप साइट पे आप सारी चीज आप देख सकते हो, मेल भी कर सकते हो help@mudra.org.in पे। ये मैं अपने YouTube वीडियो के नीचे ये नंबर और हेल्पलाइन नंबर मैं दे दूंगा, सो डेट आपको अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप यहाँ पर डायरेक्टली कॉल करके उसके बारे में जानकारी आप ले सकते हो। उसी तरह नेशनल हेल्पलाइन नंबर है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का, उस पर आप कॉल कर सकते हो, ये भी नंबर मैं वीडियो के नीचे दे दूंगा आपको। देखिए SBI के में अगर देखते हैं कि अगर SBI में 30 दिन के भीतर लोन नहीं मिलता तो SBI ने निश्चित किया है कि वह देश के छोटे कारोबारी जो SME है उसको 30 दिन के भीतर लोन देगा। अगर आपके पास सभी डॉक्यूमेंट हैं और आपके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI में 30 दिन के भीतर लोन नहीं मिल सकता तो आप SBI के चेयरमैन को जो यहाँ पर दिया हुआ chairman@sbi.co.in पर पूरी जानकारी के लिए ईमेल कर सकते हैं। तो
ये थी हमारी पूरी जानकारी जिसमें मैंने आपको बताया कि मुद्रा लोन क्या होता है, मुद्रा लोन के लिए कौन योग्य है, मुद्रा लोन के क्या लाभ है लेने के, मुद्रा लोन के कितने तरह के मुद्रा लोन होते हैं, इंटरेस्ट रेट कितना चार्ज होता है, कैसे हम लोन के लिए अप्लाई करते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं, उसके अलावा हमने आपका लोन प्रोसेसिंग कैसे होता है, मुद्रा कार्ड के बारे में बताया, विभिन्न बैंकों का नाम बताया, हेल्पलाइन नंबर वगैरह दे दिया है। तो मैं आशा करता हूँ राजेश जी आपको पूरी पूरी जानकारी इसकी रिगार्डिंग आपको मिली होगी और सब लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद विपुल जी, जो आपने यहाँ के मुद्रा लोन के बारे में इतना जानकारी आपने दी है, जिससे लोगों को काफी सहूलियत होगी मुद्रा लोन प्राप्त करने में इस जानकारी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद राजेश जी, धन्यवाद। ठीक है, आप लोगों को प्रमोट कीजिए, जागरूक कीजिए, सो डेट लोगों में थोड़ा सी एजुकेशन आएगा तो लोग अवेयर होंगे, अदरवाइज अगर अवेयर नहीं होंगे तो लोग हैं जो महाजनों के पास जाएंगे और इनको बहुत हैवी इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, तो छोटे लोगों के लिए बहुत ही सहायता है इससे। क्योंकि देखिए, एक है कि मदद करना, अभी जैसे जो कोरोना के चलते लोगों का जो अर्निंग हुड जो है बिल्कुल रुक सी गई है, तो उसमें बहुत अच्छा हेल्प होगा, क्योंकि गवर्नमेंट भी एसएमई सेक्टर को काफी प्रमोट कर रही है, तो उनके लिए आप हम लोग अपने तरफ से पूरे आरएसबी के जो बिजनेस सर्विसेज हम लोग प्रोवाइड करते हैं, तो इसके तहत हम लोगों को गाइड भी करते हैं कि कैसे उनको एजुकेट किया जाए और कैसे इन चीजों का बेनिफिट उन तक पहुंचे, सो डेट उनका जो बर्डन है इंटरेस्ट का बर्डन या फाइनेंशियल क्रंचेस, तो क्रेशिस जो है इस तरह की चीजों को फेस ना करना पड़े। तो थैंक यू राजेश जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू।